हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा फ्रॉम रमन इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं, जो मई में एग्जाम्स देने वाले या आगे एग्जाम्स देने वाले, उनके लिए सर इंस्टीट्यूट ने जो बॉस पोर्टल में जीएसटी के केस सिनेरियोस डाले उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 4 सॉल्व करवा दिए सर, ये पांचवा है। ऐसे 6 और 7 दो और बचे सर, सॉल्व करवा दूंगा। सर आपका जीएसटी कम्प्लीट, जीएसटी का मैराथन हो जाएगा। जीएसटी के रिविजन लेक्चर्स सर ऑलमोस्ट डल गए हैं सर पूरे। सर आरटीपी डल गई है, एमटीपी फर्स्ट वाली डल गई, तो सब चीज मैंने अपने तरफ से कंप्लीट कर दी है सर। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि सर प्रॉपर बैठ के पढ़ना और डाउट क्लियर करना मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में बैठ के सर, ठीक है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पढ़ते हैं। सर वीडियो को लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, बहुत हेल्प होगी सर ये केस सिनेरियो से, ठीक है। अच्छा, ये केस सिनेरियो के जो पीडीएफ होते हैं वो टेलीग्राम में होते हैं, ठीक है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, ध्यान दो। सर मैंने आपको पहले भी एक तरीका सिखाया था केस सिनेरियो पढ़ने का, तरीका क्या होता है। सबसे पहले आओ, पहले क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है सर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये बताना है सर अपन को। फिर उसके बाद बताना है सर ऐसी कौन सी सर्विसेज है जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में चलेगी सर, टैक्सेबल है। उसके बाद आपको ये बताना है सर टैक्स पेबल सितंबर का, ठीक है। फिर आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई बताना है। फिर इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म फॉर द बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स। देखो इंटरेस्ट पेमेंट तो निकाल लेंगे, बट ये मुझे पता है सर 18% निकालना है, ठीक है। बाकी अमाउंट ऊपर क्वेश्चन में जाके देखेंगे अपन। चलो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। विशाली एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट इन द स्टेट ऑफ केरला। द फर्म बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 10th जुलाई। इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 10th अगस्त, ओ माय गॉड, एंड वाज ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन 14th अगस्त। सर आपको भी याद होगा जिस दिन हम लायबल टू रजिस्टर होते हैं, अगर उसके 30 डेज के अंदर अपन रजिस्टर करा लेते हैं तो उस केस में सर जिस दिन हम लायबल टू रजिस्टर है वो हमारी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाती है। और अगर 30 डेज से ऊपर हो गया तो जिस दिन हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है वो दिन मान लिया जाता है कि हम रजिस्टर हुए। तो सर यहाँ पर 30 डेज देखो सर, 10 जुलाई से लेकर 10th अगस्त तक, जुलाई में होता है 31 डेज, तो 21 वो हो गया और इधर 10, तो सर 30 डेज से ज्यादा हो गए। 31 डेज सर 10th अगस्त, तो सर हम 30 डेज की कंडीशन को क्रॉस कर गए हैं। तो उस केस में जिस दिन हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन माना जाएगा हम रजिस्टर हो गए। तो किस दिन माना जाएगा, 14 अगस्त को। लो भाई पहला आंसर तो मिल गया हमें, ठीक है सिंपल। आगे देखो, द फर्म रिसीव स्पॉन्सरशिप सर्विसेज फ्रॉम लाइशर ट्री बे प्राइवेट लिमिटेड फॉर कंडक्टिंग अ बिजनेस एक्सपो। सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, ध्यान आ रहा है कुछ, रिवर्स चार्ज में पढ़ के आए हैं सर। Sponsorship services, any person providing sponsorship services to any partnership firm or body corporate. Sir, आप ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। क्या ये partnership firm है? Yes, ये partnership firm है। तो sponsorship services कोई भी provide कर सकता है? Yes, sir. अगर partnership firm या body corporate को provide कर रहा है तो उसके इसमें reverse charge होता है। तो sir, sponsorship services में तो reverse charge होगा sir। ये पहला पता चल गया। दूसरा देखो, इट रिसीव्ड अ कंसाइनमेंट फ्रॉम सेफ लॉजिस्टिक अ जीटीए विद चार्ज 6% ईच सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सर जीटीए वाला 12% ऑप्ट किया है, मतलब फॉरवर्ड चार्ज चलना चाहता है, तो जीटीए वाला सर फॉरवर्ड चार्ज में कवर हो जाएगा। आगे देखो, इट ऑल्सो रिसीव्ड सिक्योरिटी सर्विसेज फ्रॉम प्रॉम्प्ट सिक्योरिटी एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड। सर सर सर, सिक्योरिटी सर्विसेज कोई भी प्रोवाइड करे, एनी पर्सन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी सर्विसेज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइड करता है तो फॉरवर्ड चार्ज है, अदरवाइज सर सिक्योरिटी सर्विसेज के केस में अपन रिवर्स चार्ज की बात करते हैं। अब यहां पर जो प्रोवाइड कर रहा है वो प्रॉम्प्ट सिक्योरिटी एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड कर रहा है, और सर ये तो हुआ ना बॉडी कॉर्पोरेट, तो सर इस केस में क्या हो जाएगा, सर रिवर्स चार्ज नहीं हो पाएगा, सर इस केस में फॉरवर्ड चार्ज हो जाएगा, क्योंकि जो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो बॉडी कॉर्पोरेट है। अच्छा पॉइंट है, बहुत प्यारा पॉइंट है, रिवर्स चार्ज का मेरे को बहुत पसंद है ये पॉइंट, क्योंकि इंस्टीट्यूट इस पॉइंट पे बहुत घुमाती है, ठीक है। तो सर हमारा एक क्वेश्चन था सर, अमंग द सर्विसेज अवेल्ड बाय द विशाली एंड कंपनी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। हमने सीख क्या है सर, सिर्फ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज ऐसी है जो रिवर्स चार्ज में, आई बात समझ। अब हमें टैक्स पेबल फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर निकालना है सर, चलो ध्यान दो। द फर्म हैज ऑप्टेड फॉर द कंपोजिशन लेवी एंड इट्स टर्नओवर फॉर द क्वार्टर एंडिंग सेप्टेम्बर वॉज 14 लाख, out of which taxable supply amounted to rupees 10 lakh, exempted supply amounted to rupees 4 lakh.
चेक कर रहे हैं सर आपसे कंपोजिशन स्कीम में एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन. एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में हम एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों लेते हैं सर. सबसे बढ़िया बात याद रखना सर. तो ये 14 लाख, ये बंदा कौन है सर? ये बंदा है मैन्युफैक्चरर. मैं इसको सर्कल कर दिया था, इधर देखो, ये बंदा है मैन्युफैक्चरर. तो मैन्युफैक्चरर के केस में सर 1% ऑफ द टर्नओवर, टर्नओवर में एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों लेते हैं सर. तो ये 14 लाख का 1% करेंगे, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी. तो 14 लाख का 1% आ जाएगा 14,000, तो 77 आ जाएगा सर. लो भाई हमें आंसर मिला, समझ आया. आगे देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है. आगे बढ़ते देखो, द फर्म एंड मेड अ सप्लाई ऑफ एन इक्विपमेंट ऑफ एन अनरिलेटेड लिमिटेड कंपनी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर हैविंग अ मार्केट वैल्यू ऑफ 12 लाख, होलसेल वैल्यू ऑफ 13 लाख, मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ 14 लाख. However, the transaction was made at 11 lakh. Sir, 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 हम section 15 पढ़े हैं और section 15 में हम ये बोले सर अगर unrelated person है तो उस केस में transaction value ही मानी जाती है value of supply. तो हमारी transaction value कितनी है सर? 11 lakh. यही मानी जाएगी सर value of supply. आओ सर, ये रहा. अब हमें सर interest payable निकालना है. आओ सर देखते हैं. The firm belatedly paid the tax amounted to rupees 40,000 for the quarter ending December on 9th Feb. अरे भाई भाई भाई, December है, composition वाला आदमी है, तो सर इसको pay कब करना था सर? 18th January तक pay करना था सर. ये कब pay कर रहे हैं? 9th Feb को pay कर रहे हैं सर. तो सर इसके बीच में days count करना होगा. सर days कितने हो जाएंगे? आप एक बार count करिए. January में 31 days है, 18 हो चुके हैं. 18 को तो हमें पे करना था, 18 को हमने पे नहीं किया सर. तो जनवरी के हो गए 13 और सर फेब के हो गए 9. सर हो गए 22 डेज. तो 22 डेज का इंटरेस्ट लगेगा कितने अमाउंट पे सर? 40,000 इंटू 18% इंटू 22 डिवाइडेड बाय 365. ये तो करना पड़ेगा सर, ये तो आपको भी करना पड़ेगा, मेरे को भी करना पड़ेगा. 40,000 इंटू 18% इंटू 22 डिवाइडेड बाय 365. सर ये 433.97 है. आप चाहो तो इसको राउंड फिगर कर लो सर 434. आओ सर आंसर देखते हैं. ये रहा सर 434. समझ आया? ये मैंने आपको बहुत सिंपल आसान तरीके से केस सिनेरियो समझाया. फ्रेंड्स तक शेयर करो, बहुत काम की चीज है सर. इससे बहुत स्टूडेंट की हेल्प होती है और प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है सर. ठीक है, ऐसे ही बने रहना. अभी 6 और 7 केस सिनेरियो भी हमें आगे और करना है सर. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना. पसंद आए तो लाइक जरूर करना. ठीक है, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स.